स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर देश को 11वीं बार संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात पर बल दिया। मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में सबसे पहले देश की आज़ादी के लिए जान गंवाने वाले वीर सपूतों को याद किया। उन्होंने कहा कि आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्ते पर चढ़कर भारत माता की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत भारत माता के सपूतों के स्मरण करने का दिन है। आज़ादी के दीवानों ने आज हमें आज़ादी के इस पर्व में स्वतंत्रता में सांस लेने का मौका दिया है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से दिए अपने संबोधन में कहा कि भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का इच्छुक है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में पहला कदम उठाया जा चुका है। भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भावी मेजबान आयोग से संपर्क साधा है और बातचीत शुरू की गई है। यह कदम 2036 ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सरकार का आगामी विजन बताते हुए कहा कि अब देश में एक सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है ताकि देश के हर वर्ग को समान अधिकार और अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि एक पड़ोसी देश के तौर पर बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उससे जुड़ी चिंता को मैं समझता हूं। मुझे उम्मीद है कि वहां स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाएगी। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता वहां के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं। बताते चलें, इनमें 5 कांस्य और 1 रजत पदक शामिल है। ओलंपिक 2024 में मेडल जीतने के बाद सभी भारतीय एथलीट्स वापस भारत लौट आए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीट्स से मुलाकात की। भारतीय एथलीट्स ने पेरिस ओलंपिक के दौरान कुल 6 पदक जीते हैं, जिनमें मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुशाले, भारतीय पुरुष हॉकी टीम और नीरज चोपड़ा का नाम शामिल है। इस दौरान भारतीय मेंस हॉकी टीम ने प्रधानमंत्री मोदी को साइन की हुई जर्सी भी भेंट की। आज़ादी का 78वां भव्य महोत्सव हरियाणा प्रदेश के धर्मधरा कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भव्य मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही कहा कि 78 वर्षों में हमने राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक आज़ादी के भी कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर देश बनकर उभरा है। अब विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हम सभी 140 करोड़ भारतीय जुटे हुए हैं। आज हरियाणा विकसित भारत का ग्रोथ इंजन तो बना ही है, साथ ही हरियाणा ने पिछले 10 वर्षों में और भी कई तरह की आज़ादी सुनिश्चित की है। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता को भय, भेदभाव, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, पर्ची खर्ची से आज़ादी दिलवाई है। आज जब हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आज़ादी दिलाई है। भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से आज़ादी दिलाई है। विकास में असमानता करने वाले क्षेत्रवाद से आज़ादी दिलाई है। युवाओं को सरकारी नौकरियां पाने में पर्ची खर्ची से आज़ादी दिलाई है। लोगों को सरकारी सेवाओं, योजनाओं का लाभ पाने के लिए दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से आज़ादी दिलाई है। उद्यमियों व कारोबारियों को लाल फीता शाही से आज़ादी दिलाई है। गांव को लाल डोरा से बंधन से आज़ादी दिलाई है। महिलाओं को रसोई के धुएं से आज़ादी दिलाई है। और आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित महसूस कर। आज देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंजाब के ऐतिहासिक शहर जालंधर के श्री गुरु गोविंद सिंह जी स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मुख्य रूप से मौजूद रहे और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों को याद किया। साथ ही कहा कि आज़ादी में 80% कुर्बानियां पंजाबियों की है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। एक होर शायद बहुत घट लोगों को पता होगा जिहड़ी गल हुण मैं कहन लग्या कि अज दे दिन शहीद आजम भगत सिंह जी दे चाचा जी
शहीद अजीत सिंह उन्हां दी भी डैथ एनिवर्सरी है। तुसी देखो जलावतनी कट्टी पगड़ी संभाल जत्ता दे बानी सी, ओह देश निकाला मिल गया, जर्मनी च रहे, भगत सिंह नूं चिणग भी अपने चाचे तो ही लगी सी जदों दमूकां बीजण दी गल करदा सी, देश च आ गए, डलहौजी सी जदों 15 अगस्त होई, अज दा दिन आया, अज दे दिन उन्हां दी मौत हो गई और जांदे होए दे लफ्ज सी चलो शुक्र है आखिरी सां जिहड़े ने ओह आजादी च लैके चले हां, आखिरी सां आजादी च लै, इहो जे साडे कोल शहीद इहो जे परवाने पए। सो मैं तुसी बहुत चिर दे बैठे हो, परफॉर्म भी करना है, मुंडे परेड वाले खड़े ने काफ़ी देर तो, मैं इन्ना ही कहूँगा अज दे दिन ते कि इकट्ठे रहना है और पंजाब जिहड़ा उहदी धरती इन्नी चरखेज है जो मर्जी बीज सुट दो उग जूगा, जो मर्जी बीज बीज दो उग जूगा, पर एक नफरत का बीज पंजाब की धरती से उग नहीं सकता। इस गल की मैं सारी दुनिया नू जिहड़ी है वो जानकारी देनी चाहुंदा कि साडी सोशल बॉन्डिंग नू तोड़न की कोशिश ना करो कदे कि असी इनू इधले समाज नू इधले समाज नाल लड़ा देंगे। साडियां ईदां साडियां शबरीदां साडियां रामनौमियां साडे गुरपुरब साडियां क्रिसमसां साडियां हनुमान जयंतियां सब सांझियां ने, सानू रामनौमी वेले जां गुरपुरब वेले घर फुलाउण दी लोड़ नहीं पैंदी, साडे तां इत्थे सारे बंदे इकट्ठे एक दूजे दा साथ दे के एक दूजे त्यौहारां दे विच जा के असी खुशी महसूस करदे हां। सो आओ इकट्ठे रहिए, एका रखिए, शहीदां दा यही सुपना सी। देखो भगत सिंह जी इतों से अशफाक उल्ला यूपी तो सी, सुभाष चंद्र बोस बंगाल तो सी, चंद्रशेखर आजाद यूपी तो सी, किन्ने शहीद सी राजगुरु पूने तो सी, फिर सारा देश ही तो लड़ रहा सी। हुण आपां इह ना वंडीए कि भगत सिंह साडा सी चंद्रशेखर आजाद उन्हां दा सी, ना वो सारे मुल्क दे ही सी। सो उन्हां ने तां यही लिखिया सी शहीद आजम भगत सिंह ने कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इन्ना देश भगति च इन्ना कंट्री नू आजाद कराउण वास्ते इनकलाब दे विच डुब गए सीगे कि भगत सिंह ने एक शेर लिखिया कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। सो ये बहुत बड़े लोगों दी गल्लां ने, अपन उन्होंने थोड़े छोटे थोड़ा थोड़ा भी चल जाइए उन्होंने पाए हुए पूर्णियां ते ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮੋਂ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਵਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇਹਰਾ ਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇ ਰਾਜ ਸਤਰੀ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਵਜ ਫਹਿਰਾਇਆ ਔਰ ਸਭੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓਂ ਕੋ 78ਵੇਂ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਕੇ ਮਹਾਂਪਰਵ ਕੀ ਵਧਾਈ ਐਵਮ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ ਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣੋਂ ਕੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਓਂ ਕੋ ਯਾਦ ਕੀਆ। ਵਹੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਚੁਣੌਤੀਓਂ ਔਰ ਵਿਪਰੀਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਓਂ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਓਂ ਕੇ ਹਿੱਤ ਮੇਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਐਵਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੀਏ ਹੈ। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के सभी पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को एरियर प्रदान किया जाएगा। कर्मचारियों के हित में बहुत से फैसले किए हैं। मैं घोषणा करता हूं इस वित्तीय वर्ष में 75 साल की उम्र के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को सारा एरियर दे दिया जाएगा। मैं प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारी और पेंशनरों को भरोसा दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार आर्थिक आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम अगले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की बाकी देनदारियों को भी अदा करेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिमला में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और ध्वजारोहण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने एक बार फिर हिमालय रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई। साथ ही केंद्र से आपदा के लिए आर्थिक मदद और प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों को हिमाचल आकर आपदा के जख्मों को देखने का भी न्योता दिया।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शिमला में धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस साल 1 जनवरी से अब तक प्रदेश के 18 जवानों ने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वीर भूमि है, यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत की सुरक्षा करने तक अपना योगदान दिया है। 4 परमवीर चक्र हिमाचल ने जीते हैं। पहला परमवीर चक्र हिमाचल को मिला है, लिहाजा केंद्र सरकार को हिमाचल या हिमालय रेजिमेंट बनाने के बारे में विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तर्क दिया जा रहा है कि अब क्षेत्रीय प्रदेश के नाम पर रेजिमेंट बनाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन पड़ोसी देशों में जो हो रहा है उसको देखते हुए देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार को इसमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए। शिमला में बड़ी सजधज के साथ बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेशन हुई है, आपने देखा। और जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत लोग इसको देखने के लिए आए। आजकल हम देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे लोगों की शमूलियत जो है कम होती है, लेकिन यहाँ बहुत दुनिया आई देखने के लिए, और ये राष्ट्र के लिए ज़रूरी है, राष्ट्र के गौरव का मसला है। और सबसे अहम बात यह है कि इस साल हिमाचल प्रदेश के 18 जवान जो है सरहद पे रक्षा करते हुए या आंतरिक सुरक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है 1 जनवरी से लेके आज दिन तक। तो ये वीर भूमि है, और इस वीर भूमि के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने से लेके उसकी सुरक्षा तक अहम भूमिका निभाई है। 4 परमवीर चक्र हिमाचल के खाते में आ चुके हैं, और सबसे पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल ने ही हासिल किया था। तो इसलिए उससे आप हिमाचलियों के जज्बे को देख सकते हैं, और जिन 18 लोगों ने इस दफ़ा बलिदान दिया इस राष्ट्र के लिए, हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और उसके चलते हमारा ये मानना है, जब डिफरेंट बटालियंस हैं, रेजिमेंट्स हैं, कहीं डोगरा रेजिमेंट हैं, कहीं सिख रेजिमेंट हैं, कहीं J&K राइफल्स हैं, कहीं, तो ऐसे में हिमालयन रेजिमेंट या हिमाचल रेजिमेंट किसी, वो उसके बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। कहा जा रहा है कि अब ये फार्मूला बंद कर दिया गया है कि किसी प्रदेश के नाम पे या किसी एरिया के नाम पे रेजिमेंट्स बनाना का जो है तौर तरीका नहीं है अब। लेकिन जब हम सरहदों की रक्षा करते हैं, और हमारे आसपास के पड़ोस में आप देखते हैं दूसरे देशों में क्या हो रहा है, तो देशभक्ति से की प्रेरणा के लिए हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार उसको रिलैक्स करे और हिमालयन रेजिमेंट बनाए। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज विधान भवन लखनऊ में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से मौजूद रहे और ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नारी शक्ति के उन्नयन और सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर शौर्य पुरस्कार विजेताओं और उनके परिजनों को भी सम्मानित किया। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नीयत और सफल क्रियान्वयन से अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है, और परिणाम स्वरूप आज महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनकर उभरा है। हम सब जानते हैं कि सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। रूल ऑफ लॉ की स्थापना से देश और प्रदेश में, दुनिया में प्रदेश का परसेप्शन बदला है। प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नियत और सफल क्रियान्वयन के से अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। चिन्हित माफियाओं और दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्रवाई से प्रदेश में भय और आतंक का माहौल समाप्त हुआ है। आज प्रदेश दंगा मुक्त है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अमृत काल के सारथी के रूप में ग्लोबल लीडर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय दीप कमल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने भारत का तिरंगा फहराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सभी प्रदेशवासियों व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शत शत बधाई। इस मौके पर देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उद्गार व्यक्त किया है वो अपने आप में अनूठा है। उन्होंने कहा कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है, हमें कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जहां केंद्रीय सरकार का कर्तव्य है, केंद्रीय अधिकारियों का कर्तव्य है, जहां प्रदेश की सरकारों को अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, वहीं 140 करोड़ देशवासियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करना है और इसके लिए रिफॉर्म लाने होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संस्था को इस वर्ष में कम से कम 2 रिफॉर्म करने चाहिए। वो पंचायती राज संस्थाएं हैं या जिला की संस्थाएं हैं या वो नगर निकाय हैं, वो प्रदेश की सरकारें हों, देश की सरकार हो, वो सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी को 2 रिफॉर्म करने चाहिए। यदि इस प्रकार 2 रिफॉर्म करेंगे तो पूरे देश के अंदर लाखों रिफॉर्म्स होंगे, जिससे हमारा देश रिफॉर्म्स करते हुए ट्रांसफॉर्म करेगा। आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। समूचे हिमाचल वासियों को, समूचे देशवासियों को आज के स्वतंत्रता दिवस की शत शत बधाई। इस मौके पर देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं वो अपने आप में अनूठे हैं। उन्होंने कहा कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है, हमें कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जहां केंद्र सरकार का, केंद्रीय अधिकारियों का कर्तव्य है, जहां प्रदेश की सरकारों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, वहीं 140 करोड़ देशवासियों अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की कड़ी के अंदर खड़ा करना है। इसके लिए रिफॉर्म्स लाने होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संस्था को इस वर्ष में कम से कम 2 रिफॉर्म करने चाहिए। वो पंचायती राज संस्थाएं हैं, वो जिला की संस्थाएं हैं, वो नगर निकाय हैं, वो प्रदेश की सरकारें हैं, वो देश की सरकार है, वो सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी को और व्यक्तियों को 2 रिफॉर्म्स करने चाहिए। यदि इस प्रकार 2 रिफॉर्म करेंगे तो पूरे देश के अंदर लाखों रिफॉर्म्स हो सकेंगे और मेरा देश रिफॉर्म्स करता हुआ ट्रांसफॉर्म करेगा। मोदी जी ने कहा कि मेरे देश के लिए परिवारवाद उस प्रकार से है जैसे राजशाही राजाओं के परिवार होते थे, वो सत्ता चलाते थे। परिवारवाद मेरे देश को किसी तरह भी स्वीकार्य नहीं है, वो प्रदेश की, देश के विकास के अंदर घातक है। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत के ऊपर सहन नहीं होगा। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।